हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस जो बच्चे आर्मी क्लर्क रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की डिमांड पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इंडियन आर्मी भर्ती एग्जाम 2022 मतलब 2021 का जो एग्जाम होने वाला है 30 जनवरी 2022 को, सर स्पेशली एसकेटी क्लर्क वाले बच्चे जिसमें कि सर इंग्लिश का टोटल एग्जाम जो होगा रिटन एग्जाम 200 का होगा और सर उसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स है, सर उसका स्ट्रेटजी वीडियो क्या होना चाहिए, हाउ टू अचीव 90+ out of 100, सर 100 में से 90 मार्क्स कैसे अचीव करने हैं। और आपको पता है जो बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम स्पेशली एसकेटी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप केवल इंग्लिश पर नॉर्मल फोकस कर रहे हैं तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। आपको ध्यान रखिएगा, एक मंथ का टाइम बचा हुआ है, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बनानी होगी पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की, वही बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे जो इंग्लिश को स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पेपर होता है 200 मार्क्स का। कितने का? 200 मार्क्स का, और उसमें से अकेले इंग्लिश का कितना वेटेज है? 100 मार्क्स। तो मैं यहाँ बात करूँगा आज इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं एसकेटी क्लर्क एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो वो सारे बच्चे जो आर्मी एस्पायरेंट्स हैं वो फटाफट से एक बार आ जाओ और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है वीडियो? बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह से अचीव करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रिटन एग्जाम जो एसकेटी क्लेरिकल कैडर का होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 की इंग्लिश आएगी। प्यारे साथियों, इंग्लिश का वेटेज रहेगा 100 मार्क्स। और सर एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने का होगा सर? 4 मार्क्स का होगा। क्लियर हुआ? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मार्क्स कितने होगा इंग्लिश के? 100 मार्क्स का वेटेज होगा प्यारे साथियों। और यहां सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बहुत ही बेहतर आपके लिए बात बताने आया हूँ, यहाँ पर मेजर जो पार्ट है जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यहाँ सर आर्मी एसकेटी क्लर्क के एग्जाम में कितने पैसेज होंगे? पैसेज की संख्या कितनी होगी सर? 2 पैसेज होंगे, ठीक है ना। कितने? और उनसे कितने क्वेश्चन होंगे? अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, वेटेज करेगा, तो ये बताइए 10 क्वेश्चन का वेटेज क्या हुआ? 40 मार्क्स हुआ। 10 क्वेश्चन का वेटेज क्या हुआ? 40 मार्क्स हुआ प्यारे साथियों। तो वो बच्चे जो पैसेज को अभी भी नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखिएगा, पैसेज का बहुत बड़ा वेटेज, 100 में से 40 मार्क्स आप पैसेज से आने हैं। तो प्लीज़ भाई, अभी मैं बताने वाला हूँ कि स्पेशल फोकस किस पर करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, और वो कैसे होगा हम बताएंगे। एवरेज में मोटा मोटा बात करूँ तो पैसे से 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स हो गया 100 में से। सर फिलर्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस हम 3 क्वेश्चंस मान लेते हैं। सर PQRS, जिसको कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोला जाता है, 3 से 4 क्वेश्चंस। और सर स्पॉटिंग एरर, 3 से 4 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चंस आने ही हैं। और यदि मैं वोकैबुलरी की बात करूँ तो प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंड स्पेलिंग टेस्ट हो गया, मतलब करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ पर एक स्पेशल ध्यान किस किस पर हमें देना है, मैं उन्हीं की बात करूँगा। सबसे पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पैसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 100 में से 40 क्वेश्चन, सॉरी 40 जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे? पैसेज के होंगे। और सर फिलर्स के लिए ये बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्या पढ़ लिया जाए इस टाइम, एक मंथ का टाइम बचा हुआ है। 30 जनवरी 2022 को आपके रिटन एग्जाम है आर्मी क्लर्क का प्यारे साथियों। फिलर्स के लिए आप रखिएगा प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिलर्स के, 3 से 4 क्वेश्चंस वो केवल इन्हीं टॉपिक से आएंगे। किस किस से? सर प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सर प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन, इनसे पार्ट से होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर उसके बाद प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ना है, आर्टिकल्स एक डीप मतलब एनालिसिस कर लीजिए पूरा ए अंदा का, और कंजंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्पॉटिंग एरर के लिए क्या करना है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ठीक है ना।
तीन से चार क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के होंगे, 3 to 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले नाउन को डीपली देख लेना है, प्रोनाउन देख लेना है, एडजेक्टिव देख लेना है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इनके, और एक बार वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना। और सर पैसेज, यहाँ मैं बात करूँगा, दोबारा से लौट रहा हूँ पैसेज के बारे में। सर पैसेज किस तरह से तैयार करना होगा प्यारे साथियों? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि सर दो पैसेज आएंगे, उनमें से मोटी भाषा में बात करूँ तो एक होगा सिंपल, एक होगा हाई, मतलब टफ होगा। सिंपल मतलब एक स्टोरी बेस्ड होगा जिसमें आपको स्टोरी आसानी से पता चल जाएगी, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा होगा फैक्चुअल बेस्ड होगा, मतलब साइंटिफिक फैक्ट के बेट पर आ सकती है, बेसिस पर, जनरल फैक्ट्स के बेसिस पर आ सकती है, और किसी चीज़ का आपका जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होती हैं, परसेप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के नए नए वो होते हैं, उसके ऊपर भी पैसेज को क्रिएट किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप पैसेज के लिए पर डे आपको दो पैसेज लगाइएगा जिनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यदि मैं बात करूँ कि सर एयरफोर्स के लेवल से SKT का जो पैसेज है उसका लेवल ज़्यादा रहेगा, नहीं, जो स्टोरी बेस्ड पैसेज होगा वो लो होगा, और जो साइंटिफिक बेस्ड पैसेज होगा वो सेम ऐसा ही होगा जैसे कि एयरफोर्स में एग्जैक्ट पैसेज आता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वो सभी बच्चे जो SKT क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, और मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से पैसेज को करना है। इलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस, ओनली एक ही इसका सॉल्यूशन है, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? सर अब हम बात करेंगे PQRS। तो PQRS का मतलब है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यार आप मुझसे पूछो सर किस लेवल का आएगा, लो लेवल होगा, मतलब इलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, मतलब सबसे पहले आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। दूसरा सर करना कैसे होगा, बेसिक लेवल से करना होगा कि सर कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ सॉल्व नहीं करने होते, यहाँ ऑप्शन से आपको चूज आउट करना होता है, चूज करना होता है कि सबसे पहला जब मैं सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर बन रही है तो वो सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के बाद में क्या नहीं आ सकता। उस तरह से बहुत इजली तरीके से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके, मतलब कौन से कहां कैसे रखना है, लो लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल मैं कहूंगा। और इसके लिए भी अगर आप पैसेज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, बहुत विद्वानों ने ये बोली बात बोली है। और सर स्पेशल फोकस इस टाइम किस पर करना है ये बता दीजिए प्यारे साथियों। आर्टिकल, स्पेशल फोकस, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वर्ब का एक डीप एनालिसिस, कंजंक्शन एक डीप एनालिसिस, एंड नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। इंटरजेंक्शन ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और भी जितने भी क्लोज एंड फ्रेज बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मतलब इसके एक फिक्स्ड पार्ट हैं। वोकैबुलरी पर डे आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत जल्दी, आई थिंक मतलब कल से ही मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली SKT के लिए और लाइक मतलब एयरफोर्स और इनके लिए। प्लीज़ आप उस वोकैब को पर डे देखिएगा, 20 से 25 वोकैब होगी पर डे, और सर बहुत बेहतरीन वोकैब होगी, उसमें सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, उसमें करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड भी हो सकते हैं, उसमें वन वर्ड भी हो सकते हैं, उसमें एडम्स और फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो वीडियोस मैंने वोकैबुलरी के बना दिए प्लीज उन्हें एक बार जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों वोकैबुलरी की आपको पर डे क्या करनी होगी, लेकिन लेवल क्या रहता है सर? इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा ना, आप ये कह सकते हैं कि सर ये हाई लेवल नहीं है, SKT का बहुत बड़ी बात नहीं है, ये CDS का एग्जाम या ये NDA का एग्जाम नहीं है। तो प्लीज़ आप ये समझना पड़ेगा, जो अभी भी पैसेज पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके 40 मार्क्स हैं, कुछ नहीं होगा, एक बहुत ही एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करिए, और तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको रुचि नहीं आएगी। मतलब किसी काम को हम कब कर पाते हैं खुल के, जिसमें आपका एक मन होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। जैसे टीचिंग मेरा प्रोफेशन है तो अभी ये मेरा पैशन भी बन चुका है, पढ़ाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं खुल के कब पढ़ा पाऊंगा? सबसे पहले तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मतलब नॉलेज, और उसके बाद मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा। यार मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, और मैं खुलकर नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसी तरह से इस टाइम अब उसका नहीं है वेस्ट करने का,
पैसेज पर स्पेशल फोकस करना है, और टॉपिक्स कौन कौन से सर स्पेशल फोकस करने हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को एक बार अच्छे से देख लेना है। PQRS की पर डे प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर डे स्पेशल बुक खरीद लीजिए, कोई बुराई नहीं है। पैसेज ये मत सोचिए कि कोई बुक से ही करूंगा, जहां से आपको मिल रहे हैं अच्छे खासे लेवल के पैसेज, यदि एक बार आपको आदत पड़ गई और आपको समझ में आ गया कि सर पैसेज को इस तरह से करना होता है, क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज को करें या सर पूरी थ्योरी पढ़कर पैसेज करें, तो प्यारे साथियों वो आप बहुत इजली वहां सॉल्व आउट कर पाओगे, और 100%, चलो 90 आप कहोगे सर ज्यादा बड़ी बात हो गई, मैं कह रहा हूं 80+ इजली अचीव कर पाओगे भाई, 80+ विद इन टाइम, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यदि SKT क्लर्क में आपने 80+ अचीव इधर कर लिया इंग्लिश में और बाकी 100 में से अच्छा स्कोर कर लिया, तो क्या आपको कोई रोक सकता है? वैकेंसीज भी पिछले कंपैरिजन की तुलना में जहां कम होती थी, अभी ज़्यादा बुलाई जाती हैं, ज़्यादा क्वालिफाई किए जाते हैं। इसलिए प्लीज़ पूरे मन से फोकस करके, और भाई तीनों ही चीज़ें फिर बोल रहा हूँ दोबारा लास्ट बार, पैसेज मतलब ग्रामेटिकल अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है, और सर वोकैबुलरी, बस तीन ही चीज़ें हैं। PQRS स्पेशल फोकस करना होगा, फिलर्स ग्रामर में ही आ जाता है, एरर्स ग्रामर का ही पोर्शन है। इस तरह से आपको चार चीज़ें ही करनी है, पैसेज, फिलर्स मतलब ग्रामर, PQRS एंड सर वोकैबुलरी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर प्लीज इसके बारे में बताइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियोस प्लीज गाइस डू अ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय वीडियोस, एंड बाकी आपके लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।